जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु प्रतिमा प्रवीणास हेरिटेज किचन को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज मो रोसे घरे आपण मानी करी आम ओडिया अति जनाशुना अति प्रिय आलु बैगण बड़ी तरकारी। प्राय समस्ते तो करुथिबे, किंतु थरे एइबळी आपण तयारी करले पुरुणा सबु प्रकार भूली जिबे। आउ थरे ए तरकारी खाइले पाखरे थिबा माछ तरकारी को भी साइड कर देबे निश्चय। ताहले आउ डेरी न करी चालंतु तयारी करबा मो स्टाइल रे आलु बैगण बड़ी बेसर। आमर ए रेसीपी पई आमर दरकार आलु आ बैगण, सेति पई मु दुईटी आलु को भल भाबरे धोई चोपा छडे क्यूब साइज रे काटि नेची। आउ गोटे बड़ बैगण को मध्य धोई एमती क्यूब साइज रे काटि गोटे चामच कॉर्नफ्लोर गोळे देची। तापर आम तेल गरम करी ए कटा बैगण गुड़िक पूरा गोल्डन ब्राउन होगा पर्यटन आम छाणी नवा। मु कॉर्नफ्लोर ये गोलैली आम छाणला बेले आम बैगण टी तेल टाणबन प्लस आम तरकारी जितेबले करवा से बैगण गुड़िक पूरा गोटा गोटा ही रही। आमर बैगण गुड़िक तो पूरा गोल्डन ब्राउन कलर हो तेल रू बाहर आनी से तेल काटि आलु को ब्राउन कलर होगा पर्यटन छाणी नवा। देखो ये आलु भी मोर ब्राउन कलर होगलाई प्लेट को मुझे छाणी नौ। तापर मुझी ये आम आलु बैगण बड़ी तरकारी से तेल आम बड़ी किटा भाजी नवा। ये मुझे 8-10 बड़ी से तेल छाणी नौ। यहाँ मोर हाथ तैयारी बड़ी बर्तमान तो सीजन बड़ी पकेबा सीजन आपत जब बड़ी तैयारी करेंगे ना बड़ी मार्केट अवेलेबल रोचे आपड़ कि इटी देखु आम आलु बैगण आड़ी पूरा गोल्डन ब्राउन पर्यटन सब छाणी थोदी। चलतु एवं आम तरकारी बर्तमान कड़े जी भी तेल बड़ी से तेल को गरम कर गोटे चामच जीरा और गोटे शुखला लंका आम फुटेबा। तापर गोटे कटा पिज दे आम अल्प ब्राउन होगा पर्यटन आम पिज को भाजवा। एटी पिज देखो अल्प ब्राउन कलर हो समय मु दुई चामच अदा रसुण पेस्ट देकी अल्प समय तक कसैबी। अदा रसुण पेस्ट रही कसाटा मत बहुत भल लगे। टिके कषला मुझे दुई चमच सोरस और अध चमच जीरा को शील बाटिक आनी मसला सहित मुझे या अल्प समय कसैबा। यही समय आम ये नहीं जावा गोटे चमच हलदी गुंड लंका गुंड आपण स्वाद अनुसार ने आम ये सब कु कसई नवा। दुई मिनिट मीडियम फ्लेम रे कसैला पर मुझे गोटे टमाटो को प्यूरी करतमान टमाटो प्यूरी की मसला सहित आम एम मीडियम फ्लेम रे दुई मिनिट पर्यंत कसई नवा। ये आमर अदा रसुण पेस्ट जीरा सोरस पेस्ट तापर टमाटो प्यूरी सब बढ़िया भाव कषला तार बास्ना भी बाहरी आसला। बर्तमान सुधा मुझे लुण दे नी एम स्वाद अनुसार आम लुण नहीं जावा। मुझे गोटे चामच लुण को नहीं मसला सहित गोलैसी। तापर आम जो आलु बैगण छाणी प्रथम रखीचे से आग आलु को आम नहीं मसला सहित कसैबा। कारण छाणला बेले हुए तो आलु कि आपणकर टाण रही जाइए मसलारेदेला तेणु आलु आउ जहाँ सीझा को बाकी थी सीझीज से मु आलु को प्रथम नहीं गली तापर बैगण को नेली। कारण बैगण आम छाणला बेले से पूरा प्रथम रू सीझी जामें जब बैगण को पुणी आलु सहित मिसेद तो बैगण पूरा फिटी जाए। पर छणा को मसलार टिके कसला आमर ग्रेवी कनसीस्टेन्सी हिसाब से जितकी ग्रेवी दरकार से ही अनुसार पा दबा ता सहित आम आध कप पा दबा। कहीं आम बड़ी पुणी पकेबार अच्छी बड़ीटा आमर टिके पानी टाण तेणु बड़ी जितेबाला पानी टाणी सार आम ग्रेवी टी रिक्वायर्ड कनसीस्टेन्सी हिसाब से होना पाणिया ना बहली आमको जहाँ भी दरकार से ही अनुसार हो। ये सब फुटला आम दुई मिनिट पर कवर करदे जहाद्वारा कि सब बास्ना गुड़िक समस्त अब्जर्व करे। आ दुई मिनिट पर कवर खोली सारी देखो आम तरकारी एकदम परफेक्टली रेडी मोर कनसीस्टेन्सी जी दरकार से बैगणिक गुड़िक पूरा गोटा गोटा अच्छी आलु भी परफेक्टली सीझी जा तरकारी रंग भी बहुत बढ़िया अच्छी। आउ टिके बास्ना को बढ़ावापी मुझे कटा धनिया पत्र नहीं कि गोलैसी। बर्तमान आमर आलु बैगण बड़ी तरकारी एकदम भाव रेडी चलत एवं गरम गरम सर्व करवा या सहित भात कि रुटी जहाँ भी पसंद आपड़ा खाए आमती कमेंट बक्स जनइबे। हाँ भूलबेनि लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने।